नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर भोपाल से, रोशनपुरा चौराहे पहुंचे हैं कमलनाथ, पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। छोटे बच्चों के बीच नजर आए हैं कमलनाथ। श्रद्धांजलि के बाद कांग्रेस ने पैदल यात्रा निकाली, रोशनपुरा चौराहे से पीसीसी तक पैदल यात्रा निकाली है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पीसीसी पहुंचे, पीसीसी में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का शुभारंभ किया है। पीसीसी चीफ ने युवाओं को सदस्यता दिलाई। भोपाल से खबर, रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचे हैं कमलनाथ, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। छोटे बच्चों के बीच नजर आए हैं कमलनाथ। श्रद्धांजलि के बाद कांग्रेसियों ने पैदल यात्रा की, रोशनपुरा चौराहे से पीसीसी तक पैदल यात्रा निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पीसीसी पहुंचे। और ये तस्वीरें, तो रोशनपुरा चौराहे पहुंचे हैं कमलनाथ, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है और छोटे बच्चों के बीच भी कमलनाथ नजर आए हैं। और हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने जायजा लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस आज जनजागरण अभियान की शुरुआत कर रही है और जिस तरीके से अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर एक पदयात्रा जो है वो कांग्रेस कार्यालय के लिए निकाली जा रही है। रोशनपुरा चौराहे से पूरी पदयात्रा पीसी शर्मा जी है। पीसी शर्मा जी, क्यों निकाली जा रही है ये? आपको पहले ही बता दिया है कि ये जन जागरण अभियान है, पूरे मध्य प्रदेश में से शुरू हो रहा है और ये पदयात्रा पीसीसी तक जाएगी। महंगाई के खिलाफ उद्देश्य क्या रहेंगे? बेरोजगारी के खिलाफ, जो केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार की जो जातियां हैं जो लोगों को लूट रही है उसके खिलाफ। तो देखिए, कई सारे कार्यक्रम हैं और जिस तरीके से अगर सरकार की बात करें तो सरकार पर भी पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य ही सरकार की उन योजनाओं को उजागर करना है जो इन योजनाओं के कारण कहीं ना कहीं जनता परेशान है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारसर, अनादि टीवी भोपाल।